सो हम लोग कल का प्लान यही है कि स्नॉर्कलिंग करने का प्लान है, बट हम दोनों को ही पानी से बहुत डर लगता है। स्विमिंग पूल तक सही है, उसके ऊपर अगर मतलब समंदर में जाए तो इट इज़ लाइक अ बिग नो फॉर अस। जो रूम है जो स्विमिंग पूल के नीचे ही हम लोग का स्टेयर्स जा रहा है, तो उसी वहीं से ही ये ओशन तक जाते हैं वो वाला स्टेयर्स। तो हम लोग नीचे तक जा गए थे आज, और मतलब जो है इतना गहरा नहीं है। और जो बाजू वाला जो मिला था, जो कपल थे हम लोग देख रहे थे, वो लोग भी मतलब यू नो अपने रूम से जाके नीचे स्नॉर्कलिंग करते करते वो लोग बीच तक गए, और बीच वॉज लाइक इज नॉट दैट फार। बट देखते हैं, अगर एकदम ज़्यादा गहरा नहीं है देन वी कैन डू इट इफ पीपल आर अराउंड, जस्ट बाय आवर सेल्फ हम लोग नहीं कर पाएंगे। यही है, देखते हैं। फिर हम लोग अभी सनसेट में भी आए, खाना पीना खा रहे हैं। मैंने एक्चुअली सोचा था कि योगा भी करने के लिए, तो जो अपने जो बटलर है मैंने उनसे पूछा, तो वो बोली योगा वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं इस रिसॉर्ट के, वो अभी लीव पे गई हुई है अपने, तो इसीलिए वो नहीं है। तो एनीवेज नेवर माइंड, मैं बस सुबह उठूँगी, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, और आई एम गोना सी द सनराइज। बताइए ना कैसा एक्सपीरियंस है, आज तो फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में बताइए। मुझे लगता नहीं कि अभी तक जितना भी सुना था लोगों से और वीडियोस वगैरह में मालदीव्स के बारे में, कभी अभी लगता था कि एक हाइप है, कि लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छी जगह है, बहुत है, पैराडाइज है, ये है वो है। पर जब आप आओगे, आप जब देखोगे, खुद से एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि जगह की क्या खूबसूरती है। इट्स एक्चुअली अ पैराडाइज ऑन अर्थ। कितना मतलब रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है यहाँ का, इट्स अमेजिंग। द वाइब इज सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। आई डेफिनेटली वी आर प्लानिंग टू कम बैक अगेन अगेन, जब तक ये जगह है ओशन के ऊपर, जब तक ये जगह बनी हुई है, वी विल ट्राई एंड कम विजिट हियर एज मच एज पॉसिबल। देखिए, ऐसा सुनने को भी आया है कि ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 50 इयर्स में ऐसा कुछ है कि ब्राउन हो जाएगा, बिकॉज वाटर लेवल बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, तो उसकी वजह से। बट स्टिल दोस हु गेट अ चांस मस्ट विजिट, इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। रिजॉर्ट जो हमने बुक किया है वो आदरान रिजॉर्ट है, बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है, मतलब वास्ट, बहुत लंबा फैला हुआ है, मतलब दूर दूर तक इसके कॉटेजेस नज़र आ रहे हैं, विलास जो है वाटर विलास। और अभी हम लोग बैठे हैं टेरेस पे, दिस इज़ लाइक अ सनसेट पॉइंट। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस विला इज लाइक यू टेक दिस पैकेज, ऑल इंक्लूसिव पैकेज, एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड in that package, so you don't have to spend a penny here. You pay it once, उसके बाद आपको जो मर्ज़ी खाना है, जो मर्ज़ी पीना है, जहाँ मर्ज़ी जाना है, आप जाओ आराम से, everything is open. हाँ, थोड़े बहुत है कि extra, like if you wanna order something out of the usual, but जो पैकेज में inclusion है वो already more than enough है, you don't have to look out of the menu. तो it's amazing. Staff is amazing, people are amazing, the locals are amazing. अभी तक जितना भी उन्होंने बात किया है, सब कुछ किया है, उससे ही पता चला कि दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर वेरी फ्रेंडली, एंड दे वॉन्ट अस टू बी हियर। बाकी जो चीज़ें बाहर चल रही हैं, दैट इज़ ऑल बुलशिट, दैट इज डजंट मेक एनी सेंस हियर। ऑल दिस पीपल आर वेरी लवली, वेरी वेलकमिंग, वेरी वेलकमिंग। They want us to be here, to enjoy, and they are all their heart to, you know, to give whatever we want, and just make sure that we have a lovely stay here. Okay. Hello everyone.
वेलकम बैक. आज है हमारा सेकेंड डे और हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे स्विंग है. हमने एक वहाँ पे स्विंग लगा हुआ है झूला, तो यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए आया था. और ये जो जगह है ना हमेशा इतना बिजी रहता है, लोग हमेशा पड़े रहते हैं यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए. और हम लोग का जो रूम है रूम से एकदम सीधा दिखता है. अनुज अभी थोड़ी देर पहले ही पानी में नहाने गए थे, बट बोल रहा था बहुत ठंडा. मैं नहीं गई, जाऊंगी मैं शायद से शाम की तरफ जाऊंगी. बट यहाँ पे एक और है स्विंग झूला, यहाँ जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये भी स्विंग है. अभी थोड़ी देर में हम लोग इधर से शैक में जाएंगे. छाव में है वो वाला शैक और मेरे सामने जो है यहाँ वाला है जो स्विंग. मैं ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ. अभी अनुज की बारी है. मैंने जब किया था हम लोग लाइन पर लगना पड़ रहा था, पर है ये बालू. ये है होटल रिसोर्ट का नाम. तो ये पूरा व्यू है अपने रिसोर्ट का. और अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ. इधर ही बैठेंगे थोड़ी देर. कितना देर तक बैठेंगे इधर? कितना देर तक बैठेंगे? लंच तो शुरू हो गया ऑलरेडी. हाँ, ये हम लोग अभी पहाड़ में जा रहे हैं. इधर का पहाड़ी एरिया. अनुज ऑलरेडी बैठे हुए हैं इधर. और मैं पीऊंगी नारियल पानी. हेलो गाइस, क्या हो रहा है? हम लोग तो अभी बस चिल कर रहे हैं आइलैंड पे. बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है. और अब जा रहे हैं हम लोग लंच के लिए. पूल पे गए थे, समंदर में गए, डुबकी लगाई. हम जा रहे थोड़ी पेट पूजा करने. बहुत भूख लग रही है. बहुत भूख लगी है. क्योंकि वो इतना सोता रहा, यहाँ पे सोने के लिए आए हैं. सोने के लिए भी तो आए हैं भाई. ये है आज का लंच. सेम चपाती. चपाती एक्चुअली डोजे रहता है. मुझे इस तरह का चपाती अच्छा लगता है, बट अनुज बोल रहे थे इनको इस तरह का नहीं अच्छा लगता, इनको खुला हुआ. एनीवेज मैंने दो चपाती ली है, पापड़ और सैलड. इस तरह का पापड़ जो हम लोग उंगली घुसा के हम लोग बचपन में खाते थे. एनीवेज ये है वेज कोफ्ता, मिर्ची जो कि मुझे चाहिए, गोभी, मोर सैलड. एंड ये बैठे हैं अनुज जी. सो हम लोग अभी ऐसा कर रहे हैं, हम लोग के जो रूम है रूम से नीचे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कांच का, तो उस कांच से नीचे का समंदर दिखता है. तो मैं क्या कर रही हूँ, हम लोग ने ऐसे डिसाइड किया अनुज को नीचे से जाने के लिए मैं उनका वीडियो लूँगी और वो ऐसे ही मतलब वेव करेंगे हाथ. जो लेट्स डू इट से देखती हूँ अनुज है कि नहीं, पहुँच पाए कि नहीं उधर तक. वो रहा अनुज. हाय. ओह माय गॉड, मैं तो जिंदगी में नहीं कर पाऊंगी ऐसा. बट
ही इज लिविंग हिज लाइफ आई गेस. तो मजा आ रहा है दिस. ये रूम का डेक ऐसा है, मतलब ऐसा वाला और नॉर्मल, और ये है व्यू. इसी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, रूम में ये वाला एक डेक चाहिए था. बहुत पानी आ रहा है एज इफ. और वो तैरते हुए आएंगे, मैं चल रही है उधर से लेते हैं. और ये रहा निकल के आ गए कुएं से. कैसा था क्या? नीचे से देख के नीचे का पानी, जो समंदर का पानी, बहुत ही खारा पानी है ना, मेरे आंखों में घुस गई थी और मुझे इतने जलन हो रही थी थोड़ी, लाइक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. आलू भुजिया से भी ज्यादा. बट नीचे से देख के मुझे ऊपर देख के कैसा फील हो रहा था. एग्जैक्टली राइट. अभी वापस से डुबकी मारे पूल में, अभी खारा पानी को थोड़ा सा उतारते हैं. चलिए मैं भी आती हूँ.